एनडीए या आरजेडी? कल आरजेडी में तो फिर चल गए बीजेपी में, ही कहा के नियम है बताइए सलमान जी, मैं हो चुका है क्या? ये पहले चरण में सबसे ज्यादा वोट से हारेंगे तो मांझी जी हारेंगे। आरएसएस और भाजपा का डर दिखा के मुसलमानों को डराते हैं, तो मुसलमान इतना डरने वाला है? लोग राम लला से नहीं डर रहे हैं, मोदी लला से डर रहे हैं। एक लाइन में बोलिए, मॉब लिंचिंग इशू है? 100% इशू है सर, मॉब लिंचिंग इशू है, बिल्कुल इशू है। क्योंकि उससे जान की बात होती है, किसी का बच्चा होता है, किसी का भाई होता है, किसी का हस्बैंड होता है, तो जान प्राण की बात है, इशू है। मणिपुर में हजारों मंदिर मस्जिद गिरजे जला दिए गए, कम्बल ओढ़ के सोते हुए थे मोदी जी, जाना चाहिए था उनको, कम्बल ओढ़ के सोते हुए थे। सोचिन थोड़ा बहुत कर दंगा है, होते रहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आर्टिकल 19 इंडिया की चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी यहां से एनडीए के उम्मीदवार हैं। उनकी हम हिंदुस्तानी अवामी लीग को ये सीट दी गई है और उनके खिलाफ आरजेडी ने उतारा है कुमार सर्वजीत पासवान को, जो कृषि मंत्री रहे बिहार के, अभी भी विधायक हैं, आरजेडी के बड़े नेता माने जाते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच मुकाबला कैसा है? आपको बता दें कि ये सीट गया की जो है वो सुरक्षित सीट है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, और ये शहर बहुत महत्वपूर्ण है पर्यटन के लिहाज से, पिंडदान के लिए दुनिया भर से यहाँ लोग आते हैं, और इस वजह से काफ़ी भीड़ भाड़ वाला शहर है। लेकिन इससे ज़्यादा जो पूरी दुनिया में इस शहर की पहचान है वो है बौद्ध मंदिर की वजह से। यहाँ वही वृक्ष है, बोधि वृक्ष जिसको कहते हैं, जिसके नीचे बैठकर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और जहाँ से पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। तो उस शहर में हम मौजूद हैं। जीतन राम मांझी कद्दावर नेता, बड़े नेता, लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि समझ में नहीं आता कि वह कब किसके साथ और किन वजहों से चले जाएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होने जा रहा है। ज़रा समझते हैं गया सीट पर क्या समीकरण है, कौन लोग किसकी तरफ मुड़ रहे हैं। हमारी तरफ कुछ लोग हैं, ज़रा समझते हैं कि एनडीए या आरजेडी, एनडीए या आरजेडी, महागठबंधन। यहाँ पर जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के मुताबिक, हाँ, क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है कि आरजेडी खेमा ने, हाँ, जो इंडिया गठबंधन में, तो आरजेडी जो चुनाव लड़ रही है बिहार के अंदर, हाँ, वो एनडीए के खिलाफ नहीं लड़ रही है बल्कि इंडिया के खिलाफ लड़ रही है। अच्छा जी, ये कैसे? ये इस तरह से कि मुजफ्फरपुर सीट पर जब कांग्रेस में अजय निषाद आते हैं तो ये 3% आबादी वाले मुकेश सहनी को लाकर 3 सीट देते हैं, और 20% मुसलमानों की आबादी बिहार में, जिसकी अवहेलना करके हमारे दिग्गज नेता जिन्होंने लालू यादव के लिए मुसलमानों के मसीहा कहे जाने वाले साहेब साहबुद्दीन की कुर्बानी को भी लालू यादव ने याद नहीं, तो मुसलमान मतलब एनडीए के साथ चला जाएगा, तो मुसलमान एनडीए की तरफ फूली जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन इस स्थिति में पूरी तरह से आ गया है के जहां जो पसंदीदा कैंडिडेट होगा उसको वोट करेगा। अच्छा, वो बीजेपी का भी हो सकता है, बीजेपी का भी हो सकता है, नीतीश कुमार का, कोई भी एनडीए का भी हो सकता है। पसंदीदा कैंडिडेट जो होगा, जो हमारे लिए है, उसके लिए हम है इस स्थिति में। ऐसा बात नहीं है जो ये इरफान अहमद है, कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता है बिहार में, ऐसा बात नहीं कह रहे। देश के अंदर में जो राजनीतिक सवाल है उसमें शहाबुद्दीन जी के साथ जो उनकी वाइफें दूसरे पार्टी में, वो अभी तक आरजेडी का मेंबर हैं, वो अभी तक किस किस पार्टी में घूम रही हैं, क्या करेंगी, ये तो गठबंधन के लोग कह रहे हैं। तो आप अपनी स्थिति तो साबित कीजिए। लेकिन यहाँ के अल्पसंख्यक मुसलमान, दलित, देखिए अभी मल्लाह जाति के समाज, तमाम समूह के लोग गठबंधन के साथ है, और गठबंधन मजबूती के साथ बिहार में अपना हस्तक्षेप खड़ा करेगा। और 40 है भी क्या बिहार में? अरे गठबंधन है, कहीं पर दिख रहा है, ऐसे वो टीवी पे दिख रहा है,
धरातल पर कहीं गठबंधन नहीं है। यहाँ पर अगर मामला है तो एनडीए गठबंधन का है, एनडीए गठबंधन का। और एनडीए गठबंधन में क्या है कि मांझी मैं हो चुका है पूरा जिला, उनको खदेड़ा गया है। क्या बात कर रहा है, किसने खदेड़ा बताइए आप? अलायंस का ये जमाना, ये अलायंस की पॉलिटिक्स चल रही है पूरे हिंदुस्तान में। कोई भी अपने स्वार्थ के लिए जाता है, हम अपनी पार्टी को। वो तो ठीक है, लेकिन खदेड़ा जाना तो पॉलिटिकल मैसेजिंग है ना। किस तरह का खदेड़ा जाना की बात कर रहे हैं आप? कौन सी जगह पर गए थे वोट मांगने के लिए? लोगों ने उनको चलने नहीं दिया। मैं बताता हूँ, अभी कोई आ जाए हमारा ओपोनेंट, हम उसको खदेड़ देंगे, ये कोई विषय नहीं है। आप धरातल पे उतरे, आप मीडिया बंधु हैं, आप जाएंगे धरातल पे, आपको मैसेज मिलेगा कि कितना ग्राउंड रियलिटी है मांझी जी के पक्ष में। ये पूरा गया मांझी में हो चुका है, ये मैं कह सकता हूँ आपको। उनको कुछ नहीं बोला है लोग, उनकी विधायिका है ज्योति मांझी, उनके खिलाफ थे लोग। ज्योति मांझी मुर्दाबाद लगा है, आप देखे होंगे मां जी वोट मांगने तो जीतन राम। हाँ ठीक है, जीतन राम गए तो जीतन राम मैं कह रहा हूँ तो जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे और जीतन राम मांझी यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इनको बनाया, इनको धोखा दिया, तो ये कब कहाँ जाएंगे, किसके साथ रहेंगे, कोई इसका पता है? इनका कोई सर आपको आपको बहुत अच्छे से ज्ञान होगा कि पप्पू यादव गए लालू जी के पास, उनका कैरियर को खत्म करने का काम आरजेडी ने किया। शहाबुद्दीन मर गए लालू यादव के, लास्ट तक लालू यादव जिंदाबाद करते रहे, लेकिन उसके बावजूद शहाबुद्दीन के साथ सौतेला व्यवहार आज तक हो रहा है। 18% माई समीकरण का वोट है लालू यादव के पास, आज माई में एम गायब हो चुका है, वाई रह गया और एम में मल्ला ऐड हो गया है। आप समझिए किस तरह पर है, 18% की राजनीति करते हैं, मुसलमानों को वोट मांगते हैं लेकिन वोट का हिस्सेदारी नहीं देंगे, रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, कहीं पर हम है ही नहीं सर। हमारा वोट सबको चाहिए, हमारी बात तो आप अति पिछड़ा के रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ हैं। मैं अति पिछड़ा के रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जो संविधान कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, जिसका रेशियो हो, जिसका पॉपुलेशन हो, पॉपुलेशन के हिसाब से हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन हमें कहा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता, ऐसा नेता कहा जाता है कि हम इसलिए करा रहे हैं। सर कॉन्स्टिट्यूशनल वे में ये चीज क्लियर है कि जिसकी जितनी भागीदारी, जितनी आबादी, उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो। भागीदारी दिया जा रहा है, देखिए हम लोग ए टू जेड की पार्टी हम लोग कहते हैं और ए टू जेड का गठबंधन भी है, लेफ्ट से लेकर मांझी तक हम लोग सब यहाँ साथ हो रहे हैं और सबको न्याय मिल रहा है। देखिए सनव मल्लाह को मैंने न्याय दिया, हमने अति पिछड़ों को न्याय दिया, हमने बैकवर्ड ओबीसी को न्याय दिया, हमने मुसलमानों को भी दिया, सब अरे दे रहे हैं सारे तरफ देख रहे हैं। कहाँ दिया कल 22 रिलीज हुआ है उसमें कहाँ दिया? वही दिया जहाँ मुसलमान की आबादी है, आबादी वहाँ मुसलमान लड़ता ही है, दूसरे जगह कहाँ दे रहे हैं आप रिप्रेजेंटेशन? आप बोल रहे हैं ऐसा शहाबुद्दीन की पत्नी को क्या लगता है मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो कहाँ बहुत ज्यादा है, मतलब यहाँ से ज्यादा कहाँ देख रहे हैं? आज मुसलमानों को सभी लोग चाहते हैं कि वोट मिल जाए, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बात कोई पार्टी नहीं। वोट तो करेगा ना मुसलमान, लेकिन लेकिन तो किसको करेगा? लेकिन अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जो विकास पुरुष हैं माननीय नीतीश कुमार, उन्होंने जो मुसलमानों के लिए काम किया है वो कोई पार्टी, कोई भी किसी भी दल का नेता ने नहीं किया है। अगर मुसलमानों को उत्थान के लिए बात करें तो मौजिन से लेकर मौलाना तक, मदरसा से लेकर कब्रिस्तान तक का काम अगर किसी ने किया है बिहार में तो विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार ने किया। नरेंद्र मोदी जी का भाषण हो रहा था और माननीय कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान और बिजली सब गिना रहे थे और मोदी जी उनको डांट के बैठा दीन तो जाके गोड़ पकड़ी। तो इनके मुख्यमंत्री तो इतना कमजोर हो गए हैं तो मोदी जी का गोड़ पकड़ रहे हैं। देखिए इसका तो वीडियो है, पैर छूने वाला। देखिए पैर छूने वाला हमारे संस्कृति रही है। अच्छा, हमारे यहाँ तो देर से याद नहीं आई संस्कृति, बात नहीं है सर, इसके पहले भी आप ग्लानी होती है लोग पैर छूता है, हमारे यहाँ मतलब सनातन संस्कृति, मतलब नीतीश कुमार ग्लानी में है, नीतीश कुमार आत्मग्लानी में है? बिल्कुल भी नहीं सर, ये तो आग आप कह रहे हैं है। पलटू चाचा पलट गए जी, क्या कह रहे हैं? पलट गए पलटू चाचा। अच्छा कल आरजेडी में था फिर चल गए बीजेपी में, ही कहा के नियम है पलटू चाचा। एक चीज बताइए, ये मैं मेरा नौजवान लड़का बोल रहा है कि पलटू चाचा पलट गए, आपको लगता है कि पलटू चाचा पलटे हुए नजर आ रहे हैं? उन्होंने दूसरों को पलट दिया, उन्होंने तेजस्वी यादव को पलट दिया, उप मुख्यमंत्री थे अभी कुछ नहीं है, उन्होंने दूसरों को पलट दिया, वो तो आज तक से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो पलटना जानते हैं। लेकिन उनका तो स्टेटमेंट था ना कि अब 7 जन्म में नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ, नहीं नहीं ये उनका स्टेटमेंट है। ये तेजस्वी यादव ने तो नहीं कहा था ये कहने के लिए माननीय नीतीश। देखिए एक चीज बताइए, कोई भी राजनेता अपने पर्सनल काम के लिए राजनेता नहीं बनता। नहीं, उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था कि 7 जन्म में सामाजिक उत्थान के लिए नेता बनता है। वही बात, सामाजिक उत्थान में अगर आपका सबसे बड़ा क्या होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट,
अगर सेल्फ रेस्पेक्ट कहीं पर आहत होता है तो वो किसने आहत किया? अरे देशी आधा राजद के लोगों ने किया है, राजद के लोगों ने चीफ। अरे देखिए गया के अंदर हम लोगों के गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो भी न्यायप्रिय हैं। यहाँ तो माँ आपके एनडीए में तो सालाव बहनोई का पासवान बन गया है, और देखिए हमारे पासवान पूरे हर तबके का उनको वोट मिल रहा है, मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का, यहाँ तक कि बड़े पैमाने पर मांझी लोग भी दे रहे हैं। इसलिए हम इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि बिहार जो है कास्ट पॉलिटिक्स में चलता है। अब कास्ट का समीकरण आपके माध्यम से लोगों को समझाना चाहते हैं, वैश्य समाज हमारे एनडीए के साथ है, हमारे साथ कायस्थ समाज लाला जी हमारे साथ है, हमारे साथ मुस्लिम का 30% वोट हमारे साथ है, यादव का 40% वोट हमारे साथ है, कोई सारे 100% तो आपको 90% वोट मिल जाएगा। मैंने कहा फिर तो 90% वोट मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है सर, मांझी मैं हो चुका है क्या? ये पहले चरण में सबसे ज्यादा वोट से हारेंगे तो मांझी जी हारेंगे, और ये मैं कह रहा हूँ, इसलिए तो पूरे टोटल दलित एक पैर पर खड़ा है। मुख्यमंत्री रहते हुए गया भी जब मांझी जो काम था सराहनीय काम था, उन्होंने ही हज भवन का निर्माण का बात रखा था, इतने मुख्यमंत्री बिहार में गुजरे हैं 14 मंत्री, आज तक अपनी बात नहीं रखा था, क्योंकि यहाँ उन्होंने रबर डैम के योजना का काम उन्होंने रखा था मांझी जी। अगर यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं तो गया के विकास होगी, गया में ट्रैफिक समस्या से निदान मिलेगा। विकास से तो बहुत पीछे है मांझी जी, वो तो अपने घर का विकास कर रहे हैं, बेटा को मंत्री बना दी, अपने इसको बना दी, और पूरे बीजेपी अल्पसंख्यक विरोधी है, दलित विरोधी है, संविधान विरोधी है, रोजगार विरोधी है। ये बात अभी इरफान फातमी साहब कह रहे हैं कि दलित, ये इंडिया गठबंधन में बिहार की पार्टियां सीपीएम, सीपीआई, राजद, ये जितने भी शामिल हैं, आप सर देखेंगे कि बीजेपी आरएसएस का डर दिखा के सेकुलरिज्म की बात करने वाली पार्टियां मुसलमानों को डराती हैं। मैं दलित संगठन से आता हूं, दलित संगठन हजारों भारत में चल रहे हैं, आरएसएस और भाजपा का डर दिखा के मुसलमानों को डराते हैं, तो मुसलमान इतना डरने वाला है? मुसलमान इतना डरने वाला है? ये सब तो ठीक है, मुसलमान संयम बरत करके चुप पड़ा हुआ है, लेकिन एक बात बताइए, लालू जी का खटिया पर गोल है। नहीं, एक बात बताइए, 4 सीट पर सर बिहार में जीत जाएगी आरजेडी और इंडिया गठबंधन, तो नवीन सर आप हमसे पूछिएगा, मेरा नंबर नोट कर लीजिए चुनाव के बाद। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, आपने बाल का रंग टी शर्ट से मिलाया है कि टी शर्ट का रंग बाल से मिलाया है? टी शर्ट का रंग बाल से मिलाया, बाल को मिलाया, भगवा कलर इनके ऊपर चढ़ गया है। इनके यहाँ तो अपने महागठबंधन आप कुछ कह लीजिएगा। हम बोल रहे हैं कि पूरे बिहार में ऐसा सीएम जब तक हमारा लाइफ है, इतना लाइफ में ऐसा सीएम कोई आया नहीं, जो सीएम करप्शन को हटाया, डेवलपमेंट का काम किया, रोड में जितना है देखिए कहीं पे भी आपको गड्ढा नहीं मिलेगा। नहीं, लेकिन तेजस्वी ने उनकी शान में कोई गुस्ताखी तो नहीं की है? नहीं, कैसे की? उन्होंने तो हाउस में कहा कि आप हमारे बहुत आदरणीय हैं और हमेशा आदरणीय है। देखिए वो सम्मान करते हैं, अलग बात है, ये पॉलिटिक्स अलग चीज है, उन्होंने कुछ प्रेशर दिया है इसकी वजह से, और जाहिर सी बात है आपने अगर बिहार में तरक्की के लिए नीतीश कुमार को 20 टाइम भी पलटी करना पड़े और बिहार वासियों के लिए अच्छा काम करना पड़े तो हमें मंजूर है। मुसलमान अब बेवकूफ बनने वाला नहीं है। अच्छा, अब मुसलमान धीरे धीरे मुसलमान को समझने का टाइम आ गया। आप ये कह रहे हैं कि अभी तक मुसलमान बेवकूफ बन रहा है? बेवकूफ बन ही रहा था, हर चुनाव में होता है कि अब नहीं बनेगा मुसलमान बेवकूफ। आरजेडी ने हमेशा मुसलमान को बेवकूफ बनाया, जब कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट को दिया जाता है टिकट तो आरजेडी वहां पे आरजेडी नहीं रहता है। बताइए इरफान। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई, जब से अयोध्या कांड हुआ, रामलला का इन लोग गीत गा रहे हैं, धन्य है भाई, भारतीय संस्कृति को मानना चाहिए, लेकिन इन लोग रामलला से नहीं डर रहे हैं, मोदी लला से डर रहे हैं, और मोदी लला के जो हाफ पैंट के हीरो लोग हैं उनसे डर के ये इतना प्रभावित होके कह रहे हैं, इसलिए इन लोगों का डर जो है दूसरे किस्म से है, और ये चाहते हैं तो हाफ पैंट के
लोगों से हमारे ऊपर प्रहार ना हो, मोब लिंचिंग इनका हो रहा है। आप लोग संघ, आप लोग संघ के साथ मिल गए। देखिए मैं बताता हूँ, संघ की विचारधारा हमारे पर नहीं है, हमारे पर विचारधारा हमारे माननीय नीतीश कुमार की है। हम लोग नीतीश कुमार के सिपाही हैं और उनके लाइन्स में मांझी जी, हम लोग मांझी जी की बात कर रहे हैं। अगर संघ भी अच्छा काम करेगा, दुनिया में कोई भी अच्छा काम करेगा उसको अप्रिशिएट करेंगे, और अगर गलत काम करेगा चाहे हमारे पार्टी में कुछ संघ के काम को भी अप्रिशिएट अप्रिशिएट करेंगे। अगर अच्छा वो ह्यूमैनिटी के काम करेगा हम अप्रिशिएट करेंगे। मांझी जी से अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता है। आप यहाँ पे पूछ लिए सौरजीत को कितने आदमी ने देखा, सौरजीत ने किसके किसके लिए काम किया, लेकिन हम उदाहरण मिनिस्टर हैं, यहाँ के विधायक, किसानों के लिए काम किया, बिहार के किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, और पूरा बिहार के किसान और नौजवान तेजस्वी यादव के नेतृत्व में खुशहाली का गीत गा रहे हैं। वो गीत इरफान भाई बोध गया से सरबजीत जी विधायक हैं। बोध गया जो है इंटरनेशनल प्लेस है, बौद्धिज्म का मक्का है बोध गया। आप जा करके देख लीजिए, 1% लोग कह दे कि वो बौद्धिज्म का मक्का हो सकता है, उसकी जो मतलब आप कह रहे हैं उसी 1.5 साल में सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। पिछले 20 साल में सब ठीक हुआ, 1.5 साल में बर्बाद। नहीं, 20 साल में सब बना दिया था, 20 साल से सरकार है ना लगभग। सर हमारा डेवलपमेंट जाकर देखिए सर, कम्युनिटी सेंटर जो बनाया सर, वर्ल्ड क्लास कम्युनिटी सेंटर बनाया सर, आप जाकर के एक बार देखिए तो सही सर। आप जो सरोवर जो बनाया सर, यात्रियों के लिए 5-स्टार होटल बना दिया सर, देखिए तो जाकर सर। लेकिन जो विधायक का काम है उस विधायक के काम आप जाकर देखिए, इनको लंगा भूखा कर दिया, इनको चाकू मार के ये कर दिया, मुसलमानों को रोड पर पीट रहा है ये भारतीय जनता पार्टी और उसी के नेतृत्व। मॉब लिंचिंग इशू है कि नहीं है? मॉब लिंचिंग इशू है कि सर, एक लाइन में बोलिए, मॉब लिंचिंग इशू है? 100% इशू है सर, मॉब लिंचिंग इशू है, बिल्कुल इशू है। क्योंकि उससे जान की बात होती है, किसी का बच्चा होता है, किसी का भाई होता है, किसी का हस्बैंड होता है, जान प्राण की बात है, इशू है। सीए एनआरसी इशू है कि नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन इशू है। मॉब लिंचिंग इशू है कि नहीं? मॉब लिंचिंग इशू किसी के लिए भी है, जिसके साथ भी हो रहा ही है। सीएनआरसी खाली मुसलमानों को डराया जाता है, खाली मुसलमान का होगा एनआरसी? सबके लिए है, और सबके लिए है। सबसे ज्यादा तो इसमें दलित आसाम में जो हुआ सीएनआरसी, कौन सबसे ज्यादा आया, मुसलमान आया? हम तो 20% आए, 80% हुआ है, तो सबके लिए वो है। ये ऐसा नहीं है, अगर होता है तो सबके लिए है। हम लोग मांझी जी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 9 महीना में मुसलमानों के लिए बहुत काम किया, जो लालू यादव ने 15 साल भी नहीं किया होगा मुसलमान का अकलिया। इससे पूछिए इरफान भाई से, मांझी जी रामचरितमानस और रामायण पर और पंडित जी लोगों पर बहुत कुछ बोले, इसकी वजह से उनको खदेड़ा गया, ये सब काम करेगा कि नहीं करेगा? एकदम होगा, होगा। जैसे एक चीज मेरा कहना है, खाली मुसलमान वोट करके इंडिया की सरकार बने या एनडीए का सरकार बने, दुआ हम ये करते हैं जो आज से 40 साल पहले जो ये भाईचारा जो हिंदुस्तान में था, एक दूसरे के यहाँ लोग जाता था, वो आता था, एक दूसरे से गला मिलता था, एक दूसरे के सुख में दुख में शरीक होता था, वो हिंदुस्तान हम चाहते हैं। सरकार जिसकी भी बने, वो इंडिया की बने या इंडिया का बने, दुआ इसका हम करते हैं कि हिंदुस्तान में सरकार उसकी बने जो आज से 40 साल पहले जो भाईचारा था वो कायम हो हमारे हिंदुस्तान में। आप एक बात बताइए, मणिपुर में हजारों मंदिर मस्जिद गिरजे जला दिए गए, औरतों को कपड़ा खींच के सड़क पे परेड कराया गया, किसको जिम्मेदार मान? देखिए कहीं ना कहीं ये किसको जिम्मेदार मैं मानता हूँ, देश की सरकार कहीं पर नीति में फेल है। नरेंद्र मोदी को वहाँ जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए? माननीय नरेंद्र मोदी जाना चाहिए, 140 करोड़ का अपना परिवार मानते हैं, मैं वही बता रहा हूँ, आपका ही जवाब दे रहा हूँ मैं। अगर 140 करोड़ का अपना परिवार मानते हैं तो उनको परिवार के नाते वहाँ पर जाना चाहिए था, जो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी पॉलिटिकल चूक है। ये कम्बल लोड़ के सोते हुए थे मोदी जी, जाना चाहिए था उनको, कम्बल लोड़ के सोते हुए थे, वो सोचिन थोड़ा बहुत का दंगा है होते रहता है, हाँ यही सोच के तो पड़ल थे। अगर उनको रहता तो वो जाके देखते स्थिति को, वो स्थिति को नहीं समझे, वो अपना राजनीति देखे। ठीक बोल रहा, ठीक बोल रहा, बात सही है। हाँ तो यादव भी आरजेडी के सपोर्टर पूरा सुरजीत कुमार पक्का निकल गया। बात है। मेरा 200 गांव में वोट है खाली आरजेडी के, चलिए दिखाते हैं।
यादव ने खा लिया सब आरजेडी जी आपके सामने आरजेडी का गुंडा राज नहीं चलेगा, आरजेडी का गुंडा राज नहीं चलेगा। अरे नीतीश जी मिलकर चला लिए, अब क्या है? नीतीश कुमार बदल चुके थे, अब भरोसा कौन है? नीतीश चाचा पर भरोसा है? अब नहीं चलने वाला, जो चल गया चल गया। यहाँ तो भाई इरफान साहब लोग कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि पूरा राजद है, ये कह रहे हैं पूरा भाई राजद। तो पूरे बिहार में 40 सीट हम लोग लेंगे और यहाँ से मोदी जी को भगा दे। नीतीश कुमार इतना अपना संतुलन खो दिए हैं तो 4000 मोदी जी को सीट दिलवाने लगे। इसलिए इस बिहार के अंदर में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी के नेतृत्व में यहाँ 4000 सीट जीतेंगे और लेफ्ट जनवादी गठबंधन जिसको महागठबंधन हम लोग कहते हैं वो कामयाबी से आगे बढ़ेगी और नरेंद्र मोदी के रथ को रोकेगी बिहार में। हम लोग का इतिहास रहा है इंटरेस्ट। कंक्लूजन खाली बता देते हैं, हम 40 सीट की तो बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे बड़े नेता उसका ध्यान दे रहे हैं। हम अपने गया जिला की बात करें कि यहाँ से मांझी जी का आगे सांसद भेज रहे हैं, उनको केंद्रीय मंत्री बना। बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है, लेकिन दो एक्सट्रीम है। एक एक्सट्रीम ये कहता है कि नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है मांझी जी का, सब आरजेडी अलायंस का है। दूसरा ग्रुप ये कहता है कि यहाँ सिर्फ मांझी जी का है, आरजेडी अलायंस का कुछ भी नहीं है। लेकिन ये आप सारे पॉलिटिकल लोग हैं तो ये अपने अपने तरफ की बातें कर रहे हैं, लेकिन चौराहों पर इसी तरीके की बात होती है, इसी तरीके से नरेटिव बनाया जाता है। लेकिन जो गया शहर घूम कर आप देखते हैं तो बहुत गंदगी है, बहुत भारी जाम है। अभी मैं मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल देख कर आ रहा हूँ, वहाँ की दुर्दशा देखी नहीं जा सकती है किसी भी तरीके से। वो मेडिकल कॉलेज नहीं लगता, सिविक एमिनिटीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। तो ये सब मुद्दे हैं, लेकिन अगर ये सब मुद्दे हैं तो ये कहना कि 1.5 साल में सब खराब हो गया और पिछले 15-20 साल से नीतीश कुमार के राज में सब कुछ अच्छा चल रहा था, क्या इसको लोग मानने को तैयार होंगे? तो दो ध्रुवों के बीच में यहाँ लड़ाई है और हरगिज एक तरफा नहीं है। जैसा कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में है, वहाँ भी लड़ाई एक तरफा नहीं दिखती। तो जो मुकाबला है वो कांटे का है और जैसे जैसे अब चुनाव में कुछ दिनों की देरी रह गई है, 4 दिन की, तो वो आने वाले दिनों में और पोलराइजेशन देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 19 इंडिया की चुनाव यात्रा में गया के इस वक्त से इतना ही, फिर मिलेंगे कहीं किसी चौराहे पर। नमस्कार।